हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार मेरा नाम आमिर अली है और मेरी एज 19 साल है और मैं कराची के श्राफगोड एरिया में रहता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि मैं बोल नहीं उसके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है, तो उसके लिए जो मैं बात करने वाला हूँ वो है जिस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, जिस चीज़ ने मेरी पढ़ाई ख़राब की है। अब 2-3 बार मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुका हूँ सप्ली के, वो इसी चीज़ ने ख़राब की, वो चीज़ है मोहब्बत। और मैं मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया था और जिस लड़की से मैं प्यार करता था या करता हूँ उससे मैं बात करता था, तो उसको मैंने बोला था कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। तो उसने कहा था कि मैंने तो अपने घर बता दिया था कि भाई मुझे उससे शादी करनी है, और मेरे घर वालों ने भी उससे बात की थी, और उसने मैं फिर हमारे घर वालों को भी बोला था कि भाई हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए और मैं आपके बेटे से शादी करूँगी और मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने उसको बोला कि जब मैंने अपने घर पर बता दिया तो मैंने उसको बोला कि तुम भी अपने घर पर बताओ ताकि मेरे घर वाले तुम्हारे घर पर आ सकें। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे घर पर मसले चल रहे हैं। उस वक्त उसके घर पर कोई मसला था, उसने बोला कि भाई मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पाँव कट गया है, तो अब मैं नहीं बता सकती। तो तकरीबन 2-3 महीने के बाद मैं बताऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 2-3 महीने भी हम इंतज़ार कर लेंगे, जब इतना इंतज़ार कर लिया है तो 2-3 महीने भी इंतज़ार कर लेंगे। तो मैं इंतज़ार करता रहा, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हुए, मैं उसकी परेशानी में था कि भाई वो बताएगी नहीं बताएगी, उससे वो फिर उसने मैसेज करना बंद कर दिए, उसने कॉल करना बंद कर दी, और मैं अजीब से डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करता था कि भाई उसके मैसेज आते होंगे, उसका हर वक्त मोबाइल अपने हाथ में लेके घूमता रहता कि क्या पता उसका मैसेज आए और मुझे पता ना लगे। तो उससे उसके बाद से फिर मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई। उसमें फिर मेरे तीन सप्लियाँ आई मेरी मैट्रिक में, हालांकि 5 पेपर होते हैं और उसमें भी 3 सप्लियाँ आ गई मेरी। उसमें फिज़िक्स की आ गई थी और ना मैथ्स की आई थी और पता नहीं कौन सा था, 3 कोई थी, जो मैंने 3 बार उसके पेपर दिए, 3 बार मैं पेपर दे चुका हूँ उस मैट्रिक के और अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वो यार पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, तो उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुका हूँ और उसने मुझे डम कर दिया है। और 2-3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ना अब उसकी कोई मैसेज आते हैं ना उसकी अभी कोई कॉल आती है, और मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि क्या पता उसका मैसेज आता हो, लेकिन अभी तक आया तो नहीं है। और इसलिए मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में आके ना अपनी पढ़ाई यार अपना करियर ख़राब ना करें। मैंने तो अपना करियर ख़राब कर दिया और अब तो चांस भी नहीं है, अब तो चांस ये है कि सिर्फ कि दोबारा मैं पेपर दूँ 9 के और दोबारा से स्टार्ट करूँ। लेकिन स्टार्ट अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अब तुमसे पढ़ाई होने वाली है नहीं, तुम अभी कोई काम ही करो। तो अब मैं कोई काम के चक्कर में, अब मैं इससे पहले मैं भी ना पेट्रोल पंप पे काम कर चुका हूँ, अभी पेट्रोल पंप 1 महीना मैंने काम किया पेट्रोल पंप पे, ये मेमार मोड़ पे शाहीन शिनवारी के साथ वाला पेट्रोल पंप है हेस्कॉल का, वहाँ मैं काम कर रहा था। तो वहाँ 1 महीना मैंने काम किया, लेकिन वहाँ भी मतलब कि अजीब सा हो रहा था। तो घर वालों ने कहा कि तुम गांव चले जाओ, कुछ महीने गांव ला के आ जाओ, तब तुम कुछ ठीक हो जाओगे। तो अभी मैं देखें गांव में आ चुका हूँ, अब मेरी साइड पे देख सकते होंगे, तो मैं गांव में आ चुका हूँ फ़िलहाल तो, और गांव में ही रह रहा हूँ। 1 महीना तो मुझे कम से कम होने वाला है यहाँ पर, और भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हुआ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि मोहब्बत के चक्कर में आके किसी अपनी करियर ख़राब ना करें। और अपना अक्सर यंगस्टर ऐसा करते हैं जो कि ना, अब मुझे नहीं पता, अब जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैंने तो बहुत सीरियसली ले लिया था इस मामले को, और मैं एक किस्म का मजलू बन चुका था। मेरे घर वाले बोलते थे कि भाई वो तुम्हें डम कर रही है, उसके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मैंने कहा कि भाई वो डम कर रही है, शम कर रही है, लेकिन मुझे वो चाहिए। लेकिन वो मिली तो नहीं, लेकिन मेरा करियर ख़राब होने के एंड पर है। और अगर मैं भी उस वक्त अच्छा पढ़ लेता तो क्या पता आज मैं भी सेकेंड ईयर कर चुका होता, क्लियर कर चुका होता, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में कुछ था ही नहीं। और वो लड़की थी हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहती है, और वो मुझसे बोलती थी कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
मैं तुमसे शादी करूँगी ये वो। हालांकि अक्सर तो ऐसा होता है कि लड़के डम करते हैं ऐसी लड़कियों को, लेकिन इस बार लड़की डम करके चली गई मुझे। तो दुआ कीजिए कि मैं मूव ऑन कर सकूँ। और अगर यार आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मैं बोल के शो के अंदर आ सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़।